ब्रिटेन में हुआ दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। सुनक सरकार के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, वेतन बढ़ाने की मांग की। कर्नाटक हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा सरकारी स्कूल के बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म भी नहीं मिल रही। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। बिहार के बेतिया में 2 हिस्सों में बटी चलती ट्रेन, रक्सौल से आनंद बिहार जा रही थी, कपलिंग टूटने से हादसा। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, अमेरिका में कोविड इमरजेंसी को खत्म करने का विरोध, चीन में संक्रमण का असर कम हुआ। 6 करोड़ साल पुरानी 2 शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची, नेपाल से 373 किलोमीटर और 7 दिन का सफर किया था है। शिला से बनी थी भगवान श्रीराम की मूर्ति। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रसीद गिरफ्तार, इमरान खान ने दी धमकी, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ में नई संभावनाएं, एकलव्य आवासीय विद्यालयों में भर्तियां, विशेष संरक्षित जनजातियों तक पहुंचेगा तेज विकास। पाकिस्तान में 47 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई, जनवरी में इन्फ्लेशन रेट 27.6% रहा, 9 फरवरी के बाद और बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के बैंकनोट से हटेगी क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर, 100 साल पुरानी परंपरा टूटेगी, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के बजाय अपने नेता को जगह देंगे। फिलीपींस के 4 मिलिट्री बेस पर होगी अमेरिकी सेना, चीन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी, ताइवान साउथ चाइना पर भी होगी नजर। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की घर तलाशी, डेलावेयर के पुश्तैनी घर पहुंची एफबीआई टीम, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गायब होने के सिलसिले में की जांच। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, अमेरिका में कोविड इमरजेंसी को खत्म करने का विरोध, चीन में संक्रमण का असर कम हुआ। पीएम मोदी को जो बाइडेन का न्योता, G20 बैठक से पहले जून में जा सकते हैं, यूएस अमेरिकी संसद में देंगे स्पीच। विराट ने गिल को बताया भविष्य का सितारा, सोशल मीडिया पर बधाई दी, शतकवीर शुभमन ने तोड़ चुके हैं कोहली का रिकॉर्ड। नागपुर टेस्ट से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, दूसरे मैच में टीम इंडिया से जुड़ेंगे, बांग्लादेश में हुए थे चोटिल।